चर्चा में आया सुल्तानपुर का अधिवक्ता हत्याकांड। मोस्ट वांटेड अपराधी सिराज फरार, टेंशन में पीड़ित परिवार। एसपी से डिमांड करो एनकाउंटर, चलवाओ बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में पुलिस का टेंशन बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी हत्याकांड के बाद अब अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड अचानक सुर्खियों में आ गया है। गोलियों का शिकार हुए अधिवक्ता आजाद अहमद के माता पिता ने सुल्तानपुर पुलिस कप्तान सोमेन वर्मा से मुलाकात कर बड़ी डिमांड कर डाली। पीड़ित परिवार ने साफ कहा कि फरार मोस्ट वांटेड हत्या आरोपी सिराज का एनकाउंटर होना चाहिए, उसके घर पर बुलडोजर भी चलाना चाहिए, उनकी डिमांड भी पूरी की जानी चाहिए। हमारा लड़का जो ना वकील रहा, आजाद एडवोकेट रहा, उसका गोली मार देंगे। मुनव्वर का जो है काका थे, उसको गोली मारी गई, पेट में लगी, पैर में लगी, बचने की हालत ना रही, रामा सेंटर में भर्ती आया है। और कोई चीज़ की अभी मदद नहीं मिली है कि हाँ मदद सहायता मिल गई हुई कि हम इलाज करा दें। इतना अमीर आदमी तो है नहीं कि हम लोग कि जो ना इतना इलाज करा होता है, किसी तरीके से हमें सब इलाज करा होता है। अब कोई चीज़ अभी मदद नहीं है, ये भाग देंगे पैसा। तो किले ने हड़ताल किया था, तो उसे मांग भाई थी कि हाँ 50 लाख रुपया जो मिलेगी, अभी तक कुछ नहीं मिला हमको। अभी अभी डील किए हैं, कोई जो ना अपराधी कहूँ ना, ना उसकी माँ पकड़ी जाती है, ना बहन पकड़ी जाती है, कोई नहीं पकड़ा जाता है। खाली बस यही है कि हाँ पकड़े जाएंगे। आज 2.5 महीना हो गया, 2.5 महीने में कितने अपराधी के कितना जो अपराध हुआ सब पकड़े गए, सबका काउंटर हुआ। हमारा प्रशासन ने कार्रवाई की, कुर्की की, हाँ ये तो सही है, कुर्की की। उसके बाद आगे का उनका जो ना नाजायज रहा उसको गिराया गया, अब हम चाहते हैं कि उसका घर गिरे। क्या नाम है, आज किस मामले को लेकर यहाँ पे आए? मैं आया हूँ इसलिए कि मेरे दोनों बेटे गोली मारी गई है 6/8/2023 को। एक मेरा लड़का वकील था, उसका डेट हो गया है। दूसरा नंबर जो है लखनऊ में एडमिट है, जिसमें मैं एसपी साहब के या डीएम साहब के या मैं भाग भाग आ रहा हूँ, जिसमें मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हमको आश्वासन दिए हैं किसकी कार्रवाई आगे और करेंगे, और अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया है। अब वहाँ 2 महीने से दौड़ते दौड़ते मैं बहुत थक गया हूँ, अभी अपराधी पकड़ा नहीं गया। उसके देर इतनी बनी हुई है कि मेरा घर अकेला है, और मैंने लाइसेंस का अप्लाई किया, अभी लाइसेंस मेरा नहीं दिया गया सुरक्षित के लिए, ना हमको कोई अभी सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली है, मदद मिली। आपको बता दें कि 6 अगस्त को अधिवक्ता आजाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुख्य अभियुक्त सिराज अहमद को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। पुलिस ने सिराज पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस ने सिराज के घर की कुर्की भी कर ली है। बावजूद इसके मास्टरमाइंड सिराज पुलिस के लिए टेंशन बना है। वहीं मारे गए अधिवक्ता आजाद के माता पिता न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत।